हेलो गाइस। तो यार आज अपन बात कर रहे हैं सीटीआईटी उदयपुर के बारे में, यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म सीटीएई बोलते हैं, जो कि उदयपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यार इसकी अगर पोजीशन की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में एमबीएम के बाद अगर स्थान दिया जाए तो उसको सेकंड नंबर पोजीशन पे आता है सीटीआईटी उदयपुर, और जो कि एफिलेटेड है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, एंड दिस इज फुली गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, एंड दिस इज प्रोवाइडिंग सम कोर्सेस इन इंजीनियरिंग। ओके, सो दिस इज सीटीआईटी उदयपुर। तो यार अगर अपन बात करते हैं इसके कुछ टॉप कोर्सेज की, तो इंजीनियरिंग के अंदर ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये। इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ओके, तो देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। यार अब जिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने रीप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अब उनको एडमिशन चाहिए, राइट? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीम का फॉर्म अप्लाई नहीं किया लेकिन उनको इसमें एडमिशन चाहिए, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने रीप में अप्लाई नहीं किया उनका भी एडमिशन हो जाएगा, चाहे एमबीएम हो, आरटीयू हो, सीटीई हो। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि जस्ट तुम्हारा एडमिशन ही होगा, एडमिशन हो जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं इसके एकेडमिक प्रोग्राम्स की और इसके प्लेसमेंट्स की, इसकी फीस की, इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो देख लेते हैं आज इसका सारा डिपार्टमेंट। सो गाइस, दिस कॉलेज इज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अगर इसके प्लेसमेंट की बात करें तो यार सीएस से ज़्यादा प्लेसमेंट इसका एग्रीकल्चर और माइनिंग के अंदर होता है। गूगल यूट्यूब सब जगह आपको इस पे बारे में इंफॉर्मेशन चल जाएगी कि एग्रीकल्चर और इसका जो माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स है, इसका जो प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है, प्लेसमेंट रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इसका प्लेसमेंट मतलब करोड़ों में सीएस से ज़्यादा जाता हो, यानी कि सभी बच्चों को जॉब मिल जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, 93% जो है इसके एग्रीकल्चर और माइनिंग की प्लेसमेंट होती है इस कॉलेज से। और अगर अपन बात करें इसके प्रोग्राम्स की, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट प्रोवाइड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और जस्ट इसके प्लेसमेंट रेशियो की वगैरह वगैरह की बात कर लेते तो यार इसकी इंफॉर्मेशन सारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यार इसने जो है अपनी कुछ जो मेजर जो कंपनीज होती है, रिक्रूटर्स, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं वेबसाइट वगैरह पे। ओके, टीसीएस वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक ठाक इसका प्लेसमेंट होता है, यानी कि राजस्थान में अगर सेकेंड पोजिशन पे है तो यार प्लेसमेंट तो ठीक ठाक होगा ही। और जैसे इसके डिपार्टमेंट, इसका जो कॉलेज जो है बहुत अच्छा है यार, उदयपुर के अंदर है, डेस्टिनेशन ठीक है, जैसे सिटी से थोड़ा सा बाहर है ये वैसे। ठीक है, हॉस्टल वगैरह तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। फीस वगैरह की अगर मैं बात करते हैं तो यार एसएफएस की जो फीस है इसकी, एटलीस्ट आपकी 35K पर सेमेस्टर पड़ जाएगी। और अगर आपकी जैसे गेस्ट सीट है तो एटलीस्ट उसमें थोड़ा डिडक्शन होता है, यानी फीस कम हो जाती है गेस्ट की। लेकिन हाँ, और अब जस्ट प्रॉब्लम ये है कि एडमिशन कैसे लेना है भैया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीप का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, रीप 2021, और जिसमें किसी को मिला भी, किसी को नहीं भी मिला। ठीक है, जिसको मिला बहुत अच्छा, जिसको नहीं मिला उसको भी बहुत अच्छा। ठीक है, जस्ट अब कैसे एडमिशन ले यार इसमें। तो यार अगर अपन बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल जस्ट जैसे ही रीप का काउंसलिंग खत्म हुई तो सीटीईटी उदयपुर ने जो है फिर से अपनी स्पेशल काउंसलिंग स्टार्ट की थी। इसका जो फॉर्मेट रखा है मैंने, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है, इसने जस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाद में रिलीज किया था, अभी भी वेबसाइट पे पड़ा आप देख सकते हो। अप्लीकेशन इन्वाइट की थी इसने 11/19 से 11 तक ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन थी जैसे सीट वगैरह, इसके जो भी वैकेंसीज थी जैसे एग्रीकल्चर और माइनिंग के अंदर, तो गेस्ट सीट्स। ओके, तो जैसे SC/ST कैटेगरी के लिए फीस ये है, वो आपको जो है जैसी अलॉटमेंट वगैरह रिलीज होना था आपको ये फॉर्मेट के अंदर इनको मेल करना था अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, क्योंकि इनके पास कुछ सीट्स वैकेंट थी। तो इसी प्रकार जैसे ही रीप खत्म होता है यार, कुछ बच्चे जैसे यूपी से है, कोई आउटसाइड राजस्थान है, या कोई राजस्थान है, किसी ने IK गुजराल में ले लिया, किसी ने MR SPTU में ले लिया, कोई JEE चंडीगढ़ में मिल जाएगा किसी को, तो यार वो सीटें जो है विड्रॉल करेंगे अपनी। ठीक है, जो
तो क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ये तो चाहेगी नहीं कि हमारी सीटें वैकेंट रहे, तो वो स्पॉट राउंड चलता रहेगा और आप एडमिशन ले सकते हो। तो जिन बच्चों ने रीप के अंदर अप्लाई नहीं किया और ठीक ठाक परसेंटाइल है, तो वो जो भी कॉलेज जो है उनकी वेबसाइट पर विजिट करते रहे। और जस्ट ये लोग ये बिल्कुल भी कहेंगे कि आपको अपनी रीप रैंक देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी रीप रैंक नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है। इनके पास अगर सीट वैकेंट होती है तो वो दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई एप्लीकेशन रेशियो है तब नहीं हो पाता, जैसे MBA में नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसा आप जस्ट ले सकते हैं यार। इसका आई थिंक एग्रीकल्चर और ये राजस्थान के अंदर जो माइनिंग इंजीनियरिंग है ये बहुत अच्छा है। CS का थोड़ा इसका जो प्लेसमेंट रेशियो वो कम है अकॉर्डिंग टू, अगर माइनिंग और इस जो एग्रीकल्चर से माने तो। और बहुत अच्छा कॉलेज है वैसे, दिस इज एन एफिलेटेड कॉलेज विच महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, एंड दिस इज वेरी गुड। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गेट एडमिशन इजली थ्रू रीप राजस्थान, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच गाइस।